This video is brought to you by Howzat. Download the app now. चेन्नई के चिपॉक मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट को भारत ने 317 रनों से जीत लिया है। इस जीत के बाद कुछ इंग्लिश समर्थक अभी भी इस जीत को पिच की मेहरबानी बता रहे हैं, लेकिन लगातार पिच पर सवाल उठाने वालों को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्टार शेन वॉर्न और इंग्लिश के ही दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने आईना दिखाया है। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट पर, लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउज़ेट पे आओ, हाउज़ेट पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट howzat.com, डाउनलोड द howzat ऐप नाउ। केविन पीटरसन ने इस मैच में भारत की तारीफ करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मौजूदा समय में विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड टीम ने इस मैच के लिए अपनी बेस्ट टीम नहीं चुनी, इसलिए शिकायत ना करें। टीम इस बड़े समय पर जिमी को मिस कर रही है। चेन्नई की जिस पिच को मुश्किल बताते हुए इंग्लैंड के समर्थक और पूर्व क्रिकेटर्स सवाल उठा रहे थे, उस विकेट पर मैच के तीसरे दिन आर अश्विन और विराट कोहली ने ऐसी बैटिंग की कि पिच के तमाम आलोचक चुप हो गए। विराट कोहली ने मैच के तीसरे दिन शानदार 62 रन बनाए, वहीं ऑलराउंडर अश्विन ने यहां शतक बनाकर दिखाया। पीटरसन के अलावा शेन वॉर्न ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मैं इससे सहमत हूं कि विराट कोहली मौजूदा समय के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इंग्लैंड ने जिमी एंडरसन, जोस बटलर और बेस को क्यों आराम दिया। मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि टेस्ट मैच से इन्हें आराम दिया गया। टीम के बेस्ट मौजूद खिलाड़ियों को हमेशा खिलाना चाहिए। शेन वॉर्न लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि इस पिच पर जब भारतीय टीम के खिलाड़ी 180 ओवर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो फिर पिच सिर्फ इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के लिए कैसे खराब हो गई। पीटरसन और वॉर्न ने साफ तौर पर इंग्लैंड टीम की रणनीति पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने पहला मैच जीतने के बाद अपने बेस्ट प्लेयर्स को आराम दे दिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।